हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी नॉन स्टॉप चैनल पर। दोस्तों, ये साइंस प्रैक्टिस सेट का पांचवा पार्ट है और इस पार्ट में मैंने 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जनरल साइंस के। और इसी तरह से हम लोग 40 क्वेश्चंस डेली सॉल्व करते हैं जनरल साइंस के। और आज के पार्ट में मैंने 20 क्वेश्चंस लिए हैं बायोलॉजी से और 10-10 क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए हैं। मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को शामिल किया है जो पहले एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। तो सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और इसी तरह के वीडियोस डेली देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा, तो वीडियो जैसे ही अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आप पिछले पार्ट्स देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप पिछले सभी पार्ट्स देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। तो आधुनिक वैज्ञानिक क्रोमैग्नान मनुष्य को वर्तमान मानव यानी होमो सेपियंस का अंतिम पूर्वज मानते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रोमैग्नान मानुष। अगला क्वेश्चन है, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो पैलियो वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्मों यानी कि फॉसिल प्लांट्स का अध्ययन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पादप जीवाश्म का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन है फूलों की खेती जिसको कहते हैं फ्लोरिकल्चर, तो ये सही सुमेलित है। फिर है फसलों की खेती जिसको कहते हैं एग्रोनॉमी, तो ये भी सही सुमेलित है। फिर है फलों की खेती, यहाँ पे ऑप्शन डी देखिए, जिसको कहते हैं पोमोलॉजी। और यहाँ पे ऑप्शन सी है सब्जियों की खेती जिसका दिया गया है हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर जो होता है वो फलों की खेती, सब्जियों की खेती और फूलों की खेती तीनों के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जब फूलों की खेती और फलों की खेती के लिए अलग अलग टर्म यूज किया गया है तो यहाँ पे सब्जियों की खेती के लिए भी अलग टर्म यूज किया जाना चाहिए। तो केवल सब्जियों की खेती के लिए यूज होता है ओलेरिकल्चर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑक्टोपस इनमें से क्या है। तो ऑक्टोपस एक मोलस्क जंतु है, इसे डेविल फिश के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मृद कवची या मोलस्क। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा अकशेरुकी है। तो अकशेरुकी जंतु वे होते हैं जिनमें मेरुदंड यानी कि रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, जैसे कि कीट, झींगा, केकड़ा, घोंगा, ये सब अकशेरुकी जंतु हैं। और सबसे बड़ा अकशेरुकी जंतु होता है कोलोसल स्क्विड जो कि 12 से 14 मीटर तक लंबा हो सकता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्क्विड। अगला क्वेश्चन है, सर्पों की विष ग्रंथियाँ किसकी समांग हैं। तो सर्पों की विष ग्रंथियाँ कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के समांग होती हैं, लार ग्रंथियों के यानी कि सेलेवरी ग्लैंड्स के समांग। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियाँ। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है। तो मलेरिया के निदान के लिए आर्टीथर नामक औषधि बीजीय पादप यानी कि सीडेड प्लांट से तैयार की जाती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीजीय पादप से। और इसके अलावा कुकीन, एट्रिवीन और क्लोरोक्वीन ये सब भी औषधियाँ मलेरिया के निदान के लिए यूज की जाती हैं। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है जिसकी वाहक होती है मादा एनिफिलीज मच्छर। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में अंतःद्रव्यीय जालिका जिसको इंग्लिश में कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतःद्रव्यीय जालिका और राइबोसोम। अगला क्वेश्चन है, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैंगिक जनन। अगला क्वेश्चन है, जीन क्या है। तो प्रत्येक गुणसूत्र में डीएनए यानी डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये एक लंबा और कुंडलीनुमा सूत्रनुमा अणु होता है और इसी अणु के छोटे छोटे खंड को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। तो जीन क्या होता है, डीएनए का एक भाग होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डीएनए का एक भाग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है। तो यकृत यानी कि लीवर, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण पाचक अंग है जिसके द्वारा लगभग 500 क्रियाओं का संचालन किया जाता है। इसकी मुख्य क्रियाएं हैं पित्त का उत्पादन यानी बाइल का उत्पादन, रक्त प्लाज्मा के कुछ प्रोटीनों का उत्पादन, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन और रक्त में अमीनो अम्लों का नियमन और अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन आदि, ये सब कार्य होते हैं इसके। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा इसमें से,
यूरिया की उत्पत्ति यकृत के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? तो आम में सभी फलों से अधिक विटामिन ए पाया जाता है और इसमें विटामिन सी और विटामिन ई भी पाया जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आम। अगला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन है। तो विटामिन बी और सी केवल ये दो विटामिन है जो कि जल में विलेय होते हैं, और इसके अलावा विटामिन ए, डी, ई और के ये सब वसा में विलेय होते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है, गाय के दूध का पीला सफ़ेद रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो दूध में कैसीन नामक प्रोटीन होता है जिसके कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है, और गाय का दूध हल्का पीला होता है कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही होगा, कैसीन के साथ कैरोटीन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके चयापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है? तो चयापचय या मेटाबॉलिज्म ये एक ऐसी रासायनिक और शारीरिक प्रतिक्रिया है जो किसी भी जीव को अपने जीवन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा की पूर्ति में सहायता करती है। जो हम खाते हैं उससे ऊर्जा और कोष का निर्माण में सहायता करती है, जिसकी जरूरत होती है श्वास के लिए, रक्त परिसंचरण के लिए, पाचन के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, तो वो इसी प्रक्रिया द्वारा मिलती है। तो चयापचयी प्रक्रम में सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है वसा से। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, वसा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, आरएच कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के? तो सन 1900 में कार्ल लैंड स्टीनर ने चार ब्लड ग्रुप्स की खोज की थी। बाद में रीसस नामक बंदर में एक अलग फैक्टर की भी खोज की गई थी जिसे आरएच फैक्टर का नाम दिया गया था। आपने ब्लड ग्रुप सुना होगा, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, तो ये जो पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है ये आरएच पॉजिटिव या निगेटिव होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आरएच फैक्टर संबंधित है रीसस नाम के एक बंदर से। यहाँ पे सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है। तो रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है थ्रोम्बिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थ्रोम्बिन। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक भोजन निगलने और उल्टी का नियमन केंद्र है? तो भोजन निगलने, उल्टी, हृदय स्पंदन की दर, खांसने, छींकने आदि का नियमन केंद्र होता है मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, जिसे मेडुला के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे पहला है इंसुलिन जो कि रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है, तो ये सही है। मेलाटोनिन ये निद्रा का नियंत्रण करता है, ये भी सही सुमेलित है। फिर है ऑक्सीटोसिन जो स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निस्सरण करता है, ये भी सही सुमेलित है। गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियमन नहीं करता है बल्कि गैस्ट्रिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कि आमाशय कोशिकाओं द्वारा गैस्ट्रिक अम्ल के श्रवण को प्रेरित करता है। तो यहाँ पे ये सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? तो पैराथायराइड हार्मोन, या इसे हिंदी में कहते हैं परावट्टू हार्मोन, जो कि रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पैराथायराइड हार्मोन। अगला क्वेश्चन है, एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है। तो अर्धचालकों में विद्युत चालन इलेक्ट्रॉनों और होल्स या कोटरों दोनों की गति के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन्स एवं होल्स दोनों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर का महत्वपूर्ण भाग है? तो जर्मेनियम और सिलिकॉन दो ऐसे मुख्य पदार्थ हैं जिनका प्रयोग अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में किया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, जर्मेनियम। अगला क्वेश्चन है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो कृत्रिम उपग्रह में कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे रहते हैं जिनके लिए विद्युत ऊर्जा की जरूरत होती है और जिसके लिए सौर सेलों का प्रयोग किया जाता है। ये सौर सेलें सिलिकॉन की बनी होती हैं जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सौर सेलें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक रेडियो एक्टिव नहीं है? तो सामान्यतः वह तत्व जिनका परमाणु क्रमांक 80 से अधिक होता है वह तत्व रेडियो एक्टिविटी प्रदर्शित करते हैं। जर्कोनियम जिसका परमाणु क्रमांक 40 होता है जो कि एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जर्कोनियम। अगला क्वेश्चन है, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पानी को गर्म करने पर 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक आयतन घटता है और घनत्व बढ़ता है, और 4 डिग्री से आगे अगर गर्म करते हैं तो इसका आयतन और सभी द्रवों की तरह बढ़ता है और घनत्व घटता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक अगर पानी को गर्म किया जाएगा
तो पहले इसका आयतन क्या होगा, घटेगा और फिर बाद में बढ़ेगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, पहले घटता है और फिर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है 45 डेसिबल। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 45 डेसिबल। अगला क्वेश्चन है, कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं क्योंकि। तो कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती यानी कि रिवर्स प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वह विद्युत धारा अधिक खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। तो अवरक्त तरंग यानी कि इंफ्रारेड वेव्स, जिनका तरंग दैर्ध्य दृश्य प्रकाश से अधिक होता है, इसका प्रयोग निरीक्षण, लक्ष्य ढूंढने और रात्रि दृष्टि उपकरण आदि के रूप में सैनिकों द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, अवरक्त तरंग। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी का क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्या होता है। तो पानी में नमक जैसी कोई अशुद्धि मिलाने पर उसका क्वथनांक बढ़ जाता है और हिमांक या गलनांक जो है कम हो जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, मोती के मुख्य अवयव हैं। तो मोती में 85% कैल्शियम कार्बोनेट होता है जिसको एरागोनाइट भी कहते हैं और 2 से 4% जल होता है और 0 से 10% तक कांचियोलिन पाया जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, एरागोनाइट और कांचियोलिन। कांचियोलिन एक प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन है, गैल्वनीकृत लोहे पर लेप होता है। तो लोहे को जंग रोधी बनाने के लिए उस पर जस्ते की पॉलिश की जाती है जिसे गैल्वनाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, जस्ते का। अगला क्वेश्चन है, कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। तो कार्बन की मात्रा होती है ढलवा लोहा या पिग आयरन में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है 3.5% से 4.5% तक और पिटवा लोहे में 0.04 से 0.08% तक होती है। स्टील में 1.5% तक होती है और मिश्र धातु स्टील में होती है 0.1 से 1% तक। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ढलवा लोहे में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, अश्रु गैस है। तो अश्रु गैस क्या है, अश्रु गैस में अमोनिया यानी कि NH3 का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमोनिया। अगला क्वेश्चन है, एक विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है, विलेन का pH है। तो कोई विलेन जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है वो क्षारीय विलेन होता है और क्षारीय विलेन का pH मान जो है 7 से अधिक होता है और अम्लीय विलेन का 7 से कम होता है। तो यहाँ पे ये लाल लिटमस को नीला कर रहा है तो यानी कि ये क्षारीय विलेन है तो इसका pH मान क्या होगा, 7 से अधिक होगा। तो यहाँ पे 7 से अधिक कोई नहीं है तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन सही होगा, कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा है। तो बेकिंग सोडा क्या है, बेकिंग सोडा इसका फॉर्मूला होता है NaSCO3 और इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और धावन सोडा होता है जो कि सोडियम कार्बोनेट होता है और खाने का सोडा होता है जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो प्लास्टिक से पॉलीएथिलीन गैस उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, पॉलीएथिलीन। अगला क्वेश्चन है, टेफ्लॉन का सामान्य नाम है। तो टेफ्लॉन ये पॉली टेट्रा फ्लोरो एथिलीन होता है जिसको सामान्यतः टेफ्लॉन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पॉली टेट्रा फ्लोरो एथिलीन। और इसका उपयोग मुख्य रूप से नॉन स्टिक बर्तनों की सतह के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है। तो अंगूर, इमली और केला में विद्यमान रहता है टार्टेरिक अम्ल। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टार्टेरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रसायन है। तो ग्लाइसेराल ट्राइनाइट्रेट जिसको नाइट्रोग्लिसरीन भी कहते हैं, ये डायनामाइट में आवश्यक घटक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लाइसेराल ट्राइनाइट्रेट। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता का माप है। तो ऑक्टेन संख्या से पेट्रोल के एंटी नॉक गुण का पता चलता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेट्रोल।
तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो जैसे मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।